आज है हम दुबई की एक बहुत ही खूबसूरत और पुरानी लोकेशन पे। ये है हेरिटेज प्लेस और इसमें एक कैफ़े है बहुत खूबसूरत स्टारबक्स का। स्टारबक्स एक कैफ़े है इसमें जिन्होंने बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है। डिज़ाइन ऐसे किया है लाइक जैसे ओल्ड ब्लेज ना, जैसे हमारे यहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं घरों में, पहले गाँव में होती थी, उस टाइप पे उन्होंने इसे डिज़ाइन किया है बहुत अच्छे से। और ये पूरा यूज़ किया है सोल का, यूज़ किया है मिट्टी किले का, लाइक ऐसे आर्टिफिशियल बनाया हुआ है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर और डिज़ाइन इतना खूबसूरत है तो आप यकीन नहीं कर सकते कि एक स्टारबक्स ऐसा भी हो सकता है। आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे लिखा हुआ है स्टारबक्स, तो मैं अभी आपको शो करता हूँ इसको। बहुत प्यारी लोकेशन है, मैं पूरा ये जो हेरिटेज विलेज है आपको शो करूँगा, बट फर्स्ट मैं आपको पहले ये स्टारबक्स कैफ़े दिखाता हूँ जो मुझे बहुत पसंद आया। अभी यहाँ की कॉफ़ी इन्जॉय करेंगे, फिर मैं आगे इसका हेरिटेज विलेज का आपको टूर कराता हूँ पूरा। और ये है हमारे सामने स्टारबक्स कैफ़े, इसका लुक देखिए आप, आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी गांव में आ गए हैं। और आप उम्मीद नहीं कर सकते कि स्टारबक्स जैसा कैफ़े जो इतना हाई ब्रांड है वो इस तरीके से डिज़ाइन कर सकता है। बहुत यूनिक डिज़ाइन किया है, बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है और इसका लुक जो है वो बहुत खूबसूरत है। आप देखिए, ये पुराने गाँव में हमारे यहाँ छप्पर होते थे ऐसे और मिट्टी के घर बनाते थे, उसी टाइप से उन्होंने डिज़ाइन किया। और इसका एक मैं सराउंडिंग राउंड लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। इसके नियर पे ये बोट है, रिवर है, बोटिंग एरिया है और यहाँ से व्यू बहुत खूबसूरत है। पर क्या है कि आउटसाइड बैठने में फ़ायदा नहीं है, गर्मी बहुत है। यहाँ से व्यू तो बहुत अच्छा है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये हम विजिट यहाँ बाहर बैठ के अगर आपको कॉफ़ी इन्जॉय करनी है तो इवनिंग बेस्ट टाइम है इसके लिए, क्योंकि अभी तो नहीं हो पाएगा, अभी तो बहुत मुश्किल है। मैं अंदर चलता हूँ एसी में, फिर मैं अंदर से आपको एक इसका स्टारबक्स का लुक दिखाता हूँ। अभी हम अंदर चलते हैं और अपनी कॉफ़ी इन्जॉय करते हैं। ये इसका लुक है कुछ इस तरीके से। अंदर तो कैफे की तरह ही है लेकिन बाहर से इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत प्यारा है। चलिए, स्टारबक्स कंप्लीट करने के बाद अब चलते हैं आगे की ओर। और यहाँ पे और भी कैफ़े और शॉप्स हैं, वो भी इसी तरीके से डिज़ाइन है। एक्चुअली ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है इस ब्लेज का, ये पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया है जैसे लाइक कोई गांव होगा हम ना, जैसे हमारे यहाँ गाँव होते हैं ऐसे पूरा स्ट्रक्चर बनाया है। शॉप्स बनाई हैं उसमें, रेस्टोरेंट्स हैं उसमें और ग्रोसरी आइटम भी है इवन यहाँ पर। और अगर कोई थक जाता है तो उसके लिए ये विकल्प भी अवेलेबल है। ये एक और रेस्टोरेंट है, उसका सेटअप भी कुछ इस तरीके से ही है, बट स्टारबक्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है। इसके सराउंडिंग भी शॉप्स हैं बहुत सारी। एंड अभी क्या है कि धीरे धीरे इवनिंग होने वाली है और यहाँ लाइटें स्टार्ट हो जाएंगी जलना, तो उसके बाद इसका लुक जो है और ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। और कहीं पर ढोल बज रहा है, पंजाबी ढोल बज रहा है, मैं देखता हूँ। दिस कल्चरल म्यूजिक, हाँ ये माय दुबई, दुबई में कल्चरल म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक, क्या बात है ब्रदर। ये देखिए, ये राजस्थानी म्यूजिक, प्लेसमेंट बनाया हुआ है शो करने के लिए, यहाँ पे लोग शो करते होंगे। बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी आपको। ये शो करने के लिए यहाँ पे लोग क्लिक कर सकते हैं, आप इनके ये म्यूजिक बजाते हैं, वीडियो बना सकते हैं उसके साथ। और
अगर आपको पिक्चर्स क्लिक करनी है तो वो भी कर सकते हैं। तो चार्ज होगा या फ्री है आई डोंट नो, अभी पता करता हूँ। और अच्छा तो काफ़ी है, ये मज़ा तो आया मुझे, लेकिन अभी क्या है कि इधर अभी जैसे ही लग रहा है। यूनिक तो है, ये प्लेस यूनिक तो है, बट क्या है कि अब सारी शॉप सिमिलर हैं। और ब्लेज मैं इधर से चलता हूँ, अब बना बहुत खूबसूरत है, मैंने आपको विजिट करा ही दिया इसका सी एरिया जी। और इधर है एक बोटिंग एरिया, यहाँ पे अगर किसी को राइड करना है बोट से तो राइड कर सकता है। यॉट वगैरह भी अवेलेबल है यहाँ पे, बट मे बी एक्सपेंसिव। और यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं कल्चर को डिफाइन करते हुए और मेमोरी के लिए भी। अब मेरे हिसाब से टाइम भी हो गया, चलना चाहिए, थोड़ा सा और घूमते हैं। थोड़ा सा और घूमते हैं फिर चलते हैं, टाइम भी हो ही गया है। सोच रहा हूँ मैं एक और लोकेशन कवर कर लूँ आज। ये यॉट मुझे बहुत पसंद आया, बहुत खूबसूरत भी है। मैं थोड़ा पास से कवर करता हूँ इसे, यूनिक डिज़ाइन लाइक दैट, इट्स ऑफ द कैरेवन। और इधर से आप ये रिवर का व्यू देख रहे होंगे, बहुत खूबसूरत है। ये क्रॉस भी कराते हैं इस साइड से उस साइड, वो साइड कोई प्लेस है वहाँ पे अगर जाना हो तो डायरेक्ट आप बोट से भी जा सकते हैं, और अदरवाइज आप टैक्सी ले लें या मेट्रो ले लें, अवेलेबल है इजीली। हाँ मुझे तो बहुत पसंद आया ये प्लेस, आप लोग बताना कमेंट्स में कैसा लगा। बस थोड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि पानी की वजह से है ना, पानी की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाकी ऑल ओवर तो बहुत अच्छा है। तो अब मैं निकलता हूँ, मैं यहाँ से देखता हूँ नियर मेट्रो स्टेशन एंड टैक्सी व्हाटएवर जो भी अवेलेबल होता है, फिर हम चलते हैं। अभी मेरे पीछे आप ये जो मार्केट देख रहे हैं ये है ड्रैगन मार्ट मार्केट, ये दुबई की सबसे बड़ी चाइनीज़ मार्केट है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बहुत अच्छे मिलते हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिलते हैं।
सस्ते मिलते हैं और यहाँ से आप सब कुछ परचेस कर सकते हैं जो भी आपको डेली नीड्स में चाहिए, इवन ग्रोसरी, रेस्टोरेंट सब अवेलेबल है। बट ये फेमस है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए। मैं आपको शो करता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, कम प्राइस में हैं। हम विज़िट करते हैं इसे आज। और चुमरा एकोमोडेशन है, इंटरनेशनल सिटी, ये जस्ट उसके पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। तो मैंने कहा आज इसका एक छोटा सा ब्लॉग बनाते हैं, मैं आपको चाइनीज़ मार्केट शो करता हूँ। यह है इसका एंट्री गेट, और ये मार्केट एक्चुअली बहुत बड़ा बना हुआ है। अगर मैं इसको पूरा विज़िट करने पे आऊँगा तो कम से कम मेरे 2-2.5 घंटे तो चले ही जाएंगे। तो मैं इसका मेन पार्ट आपको दिखाता हूँ। ये ऊपर जो लिफ्ट जा रही है, यहाँ पे ज़्यादातर क्लोथ्स के, गारमेंट्स के शॉप्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे, नॉट अलाउड। और अभी मुझे पता चला है यहाँ पे एक्चुअली वीडियो बनाना अलाउ नहीं है भाई। अभी मेरे को सिक्योरिटी ने पकड़ा और मुझे बोला आप वीडियो नहीं बना सकते यहाँ पे। तो मैं जितना भी थोड़ा बहुत मैंने बनाया है वो तो मैं आपको शो कर देता हूँ। और ये देखिए, आपको साइडों में शॉप्स दिख रही होंगी, सब इलेक्ट्रॉनिक शॉप हैं।